पॉसिबिलिटीज विद सुजोक। फ्रेंड्स, वीक आईज के कई सिम्टम्स भी होते हैं और कई कॉजेज भी होते हैं। तो पहले कॉजेज को जान लेते हैं, जैसे बहुत कम नींद लेना, आईज में फ्रीक्वेंट एलर्जीज का रहना, बहुत समय तक कंप्यूटर के आगे काम करना, लैपटॉप और स्मार्टफोन के आगे काम करना, और रॉन्ग पोस्चर में लॉन्ग टाइम के लिए रीडिंग करना, और ये सब काम पुअर लाइटिंग में करना, कम लाइट में करना, और स्क्रीन वर्क या रीडिंग वर्क को एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करके ना करना। आइए अब वीक आईज के सिम्टम्स भी जान लेते हैं। हेलो माय हैप्पी सोल्स, मेरा नाम प्रीति खन्ना है और मैं एक सुजोक थेरेपिस्ट और हीलर हूँ। तो फ्रेंड्स, वीक आईज के कई सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे आईज का थका हुआ रहना, टायर्ड आईज रहना, आंख से बार बार पानी जाना, या फिर ड्राई आईज होना, ब्लर या धुंधला दिखना, डबल इमेज दिखना, फ्रीक्वेंट हेडेक रहना, पुअर कॉन्सेंट्रेशन या लाइट से सेंसिटिविटी होना, और ज्यादा देर तक आईज को खुले रखने में दिक्कत होना। तो ये तो हमने बात कर ली कॉजेस एंड सिम्टम्स की। अब बात करते हैं कि सुजोक थेरेपी इसमें कैसे काम करती है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, सुजोक थेरेपी आईज के लिए वरदान की तरह काम करती है। चाहे वो फिर ड्राई आईज हो, आंख से पानी जाता हो, ब्लर विजन हो, या आई का कोई डिजीज हो, या फिर वीक आई साइट हो। तो आने वाले वीडियोस में मैं ये सारे टॉपिक्स कवर करूंगी, पर आज का वीडियो स्पेशली वीक आई साइट। तो अगर आप रिलीजियसली ट्रीटमेंट को फॉलो करेंगे ना, तो आपको अपनी आई साइट को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प मिलेगी और आपकी आईज का नंबर भी कम हो जाएगा। तो चलिए इस मैजिकल ट्रीटमेंट को सीखते हैं। हाथ के अंगूठे में ये मैंने आईज के पॉइंट लोकेट करे हैं। इसका डिवीजन कैसे है, पहले हम थंब के फर्स्ट फैलेज में सेंटर से डिवाइड करेंगे और फिर दो इक्वल पार्ट्स में इन लाइंस को डिवाइड करेंगे। ऊपर की लाइन में हमारे पास इधर और इधर दो आईज के पॉइंट्स मिलेंगे। इन आईज के पॉइंट्स को स्टिमुलेट करते हैं। इसी तरीके से हमारे बाकी उंगलियों में भी आईज के पॉइंट इसी जगह पर लोकेटेड हैं। वीक आईज के लिए आप आईज के पॉइंट पर या ग्रीन या फिर रेड कलर का यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ इन्हीं दोनों कलर का यूज़ कर सकते हैं, आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। तो हम आईज के पॉइंट पे पहले अच्छी तरीके से मसाज करेंगे। पेनफुल पॉइंट मिलेगा यहाँ पर, थोड़ी सी क्लॉकवाइज मसाज। दूसरी आई के पॉइंट पे भी हम मसाज कर लेते हैं। अब इन दोनों पॉइंट्स पर हम ब्लैक पेपर सीड फिक्स करेंगे। इस तरीके से टेप पर आपको दो ब्लैक पेपर सीड्स फिक्स करने हैं। अब इन पॉइंट्स पर हम ये ब्लैक पेपर सीड फिक्स कर लेते हैं। टाइम टू टाइम पेशेंट को इन सीड्स को प्रेस करने के लिए बोलना है। अब एक और पॉइंट ले लेते हैं, इंडेक्स फिंगर पर भी ये आईज के पॉइंट्स मार्क्ड हैं, इनको भी हम क्लॉकवाइज मसाज कर लेते हैं। दूसरी आई के पॉइंट को भी कर लेते हैं। अब यहां पर भी हमें ब्लैक पेपर सीड फिक्स करने हैं। सारी फिंगर्स में हमारे इस जॉइंट के पास बैक साइड पर यहां पर भी आईज के पॉइंट्स हैं, तो एक पॉइंट हम पीछे भी लगा लेते हैं। पहले इन पॉइंट्स को मसाज कर लेते हैं। आफ्टर गुड मसाज यहां हम सीड्स फिक्स करेंगे। इस जगह पर हम दो मूंग दाल के दाने लगाएंगे, क्योंकि हाथ की बैक साइड की स्किन थोड़ी ज्यादा सेंसिटिव होती है, तो ये वाइट डॉट हमें ऊपर रखना है और ये स्किन को टच करेगा। ये पॉइंट काफी पेनफुल था पेशेंट का। सारे के सारे सीड्स हमें टाइम टू टाइम प्रेस करने हैं और गीले नहीं करने हैं। सीड्स मिनिमम 6 आवर्स और मैक्सिमम 12 आवर्स हाथ पर रखने हैं।
स्किन को ब्रीदिंग स्पेस मिले इसके लिए आप एक दिन एक हाथ पर सीड्स लगाइए और दूसरे दिन दूसरे हाथ पर सीड्स लगाइए। इसको रेगुलरली करिए, ये बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट है आइज़ के लिए और डे वन से आपको अपनी आइज़ में आई साइट में इम्प्रूवमेंट महसूस होने लगेगी। इस ट्रीटमेंट के साथ साथ एक हेल्दी और बैलेंस डाइट का लेना भी बहुत ज़रूरी है। खासकर आप अपनी डाइट में विटामिन ए फूड को ज़रूर इंक्लूड करिए। ये पूरी लिस्ट मैंने आपकी रेफरेंस के लिए दी हुई है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि इसी तरीके का यूजफुल कंटेंट मैं इस चैनल पर लेकर आती हूँ। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं @sujok_therapist_preeti। तो मैं जल्दी मिलती हूँ एक नए वीडियो में।